गाइज, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था विशाल कंदोरिया का। उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था और मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। और फिर हम लॉबी में आए, थोड़ी सी हमने बात की और जिसमें हमने कहा कि मैं रूम बनाओ, तो उन्होंने बोला ओके दीदी बना लो। मैं रूम बनाने गई और मैंने रूम क्रिएट किया, वन टाइम रूम था, क्रिएट करके मैंने इनवाइट किया और वो बंदा आया। गाइस, मेरी थोड़ी सी ज़ुकाम हुई है तो मेरी आवाज़ अजीब सी आएगी, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। Team match, let's go. स्पेशल मेंबरशिप इन्होंने खरीदी थी और मतलब इनकी डिमांड पे हमने ये फुल विदाउट एडिटिंग वीडियो बनाई है, ठीक है। और अभी मैंने पहला किल कर दिया है और फिर मैं अपने आप को कवर लेते हुए थोड़ा सा हील कर रही हूँ खुद को। अब फिर मैं आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि मेरे ऊपर फायर है, देन फिर मैंने उसके ऊपर फायर किया बट नहीं हुआ कुछ। और मैंने फिर से कवर लेकर रिलोड किया, देन फिर मैंने उसको मारने की बहुत कोशिश की पर मैं मर गई। शायद मेरी पिंग हाई थी इस वजह से, या फिर बंदा अच्छा खेल रहा था। वैसे भी बंदा अच्छा ही खेल रहा था। सेकेंड किल मेरा था और मैंने सेकेंड किल पे उसको मार दिया। देन फिर मैं थोड़ा सा हील हो रही थी और मैं आगे ही बढ़ रही थी और मैं मर गई। फिर सेकेंड किल भी उसकी तरफ से था। अभी स्कोर बराबर है हमारा। अभी मैं वापस से स्पॉन होकर के बाहर गई थी और मेरे को डैमेज मिल गया। फिर मैंने थोड़ा सा कवर लिया, मैं सोची हील करूँगी, देन फिर उसने मेरे ऊपर फायर किया और मैं मर गई। थर्ड किल उसका और मैं अभी सेकेंड किल करूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने उसको डैमेज दिया और मैं थोड़ा सा कवर ही ले रही थी और फिर इतने वो आया और मैंने पीछे मुड़ के उसको मार दिया। फिर देखो अब मैं कैसे खेलती हूँ। अभी देखना, मैं बहुत बुरी तरीके से हारूँगी। शायद मेरे को भी लग रहा था कि मैं हार ही जाऊँगी, क्योंकि अभी देखना जो किल्स होंगे वो मेरे कम होंगे और उसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। अभी आप वीडियो देख ही रहे हैं, विदाउट एडिटिंग है तो फिर आपको हर एक स्टेप दिखाई दे रहा है कि गेम प्ले कैसे हो रहा है। देन अभी देखिए, ये किल मेरा था, फोर्थ किल मेरा हो गया। थोड़ा सा मैंने डैमेज किया पर ये ऊपर से आके मेरे को मार दिया और मेरी हो गई पिंग हाई। आप देख ही रहे होंगे बंदा कैसे भाग रहा है मेरे में। अभी आप और भी आगे देखेंगे मेरे सामने बंदा कैसे उड़ जाता है। ये थोड़ा सा मेरा एम गड़बड़ हो गया और फिर ये मेरे को मार गया। और ये देखिए, इसका मेरा पिंग हाई हो गया और वो बंदा पता नहीं कहाँ पहुँच गया था। और मैं फिर मर गई। देख, 4-6 का स्कोर है और मेरा पिंग हाई है। आपको देख ही रहा होगा कि वो बंदा कैसे ही भाग रहा है मेरे सामने से। ये देखिए अभी वो बंदा कहाँ था और ये कहाँ पहुँच गया। विदाउट एडिटिंग है ये, पता नहीं कैसे दिया बंदे को, ठीक है। मेरी पिंग हाई होते हुए भी सेकेंड मेरे को दिख गया था वो बंदा वहाँ पे है और मैंने उसको मारने की बहुत कोशिश की पर मैं मर गई क्योंकि मेरी पिंग थी हाई। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो बंदा है कहाँ और वो कहाँ पहुँच जा रहा था। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में सब कुछ दिख ही रहा है। नेक्स्ट मैंने बहुत स्कोपिंग कर दिया था और वो बंदा मेरे सामने स्लाइड होके आ गया और मैं मर गई। ये देखो बंदा कैसे आगे चला गया अचानक से, मेरे सामने से आ गया अचानक से, मर भी गया। लगा नहीं था मेरे को इतनी जल्दी मर जाएगा। कोई ना, 6-8 का स्कोर चल रहा है अभी। थोड़ा होल्ड करके मैंने देखा कि बंदा कहाँ से आ रहा है। मुझे दिख गया बंदा इधर से आ रहा है। मैंने थोड़ा सा कवर लेते हुए उसको मारने की कोशिश की और वो बंदा कैसे देख मेरे सामने आ रहा है। ये मेरी पिंग की इशू थी, शायद मैं इससे और अच्छा खेल सकती थी पर पिंग का इशू था, इस वजह से थोड़ा ऐसा हो गया मेरे साथ। और मैं मर गई। और ये देख ही रहे आप, मेरे पिंग हाई है। नेक्स्ट
सेवन और नाइन का स्कोर है और सेवन और टेन का स्कोर होने में देर नहीं लगी, और बंदा आप देख लीजिए कैसे वो इधर पहुंच गया। ठीक है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था और मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं हार ही जाऊंगी, पर देखो क्या होता है आप आगे। एट और टेन का स्कोर है, किसी तरह मैं मार रही थी, थोड़ा सा कवर लेते हुए मैंने उसको फायर दिया, वो बंदा मेरे पास आ रहा था और मैंने मार दिया उसको। अभी मेरे पास ढेर सारी एमओ भी इकट्ठी हो गई, इसको मैं बोरे में भर के लेकर जाऊंगी अपने घर। इतनी सारी एमओ मैंने इकट्ठी कर ली है, ये देखिए, और ये 10th किल भी मेरा हो गया। ठीक, मैंने इस वीडियो पे म्यूज़िक नहीं लगाई क्योंकि मेरे को कहा था कि आप अपनी वॉइस में ये वीडियो डालना, और मैंने ये मेंबर्स की डिमांड पे स्पेशली ये मैंने एडिट किया है। पहली बार मैं अपनी वीडियो पे ऐसे एडिटिंग कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे को बताना कि ये मेरी कैसी है वॉइस वगैरह, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छा सा ट्राई करूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस। एंड नेक्स्ट मेरा 12 किल हो गया और सामने वाले का 10 किल है। अब देखिए मैं कैसे मारती हूँ, मेरा थोड़ा सा पिंग सेट हुआ था और ये कवर लेते हुए मैंने कवर फायर दिया और मैंने मार दिया वो बंदा, और 13-10 का स्कोर हो गया। थोड़ा सा हील ही हो रही थी फिर सामने वो बंदा आ गया और मेरे को मार गया। वापस से मैं जाती हूँ, बंदा मेरे को लेट के मार रहा था और मैंने उसे मार दिया। 14th किल भी मेरा है। अब मेरी पिंग अच्छी हो गई थी, थोड़ी सी पहले से बेटर, और मैं पूरी कोशिश कर रही थी मारने की। मेरे को लग रहा था कि मैं कहीं हार ना जाऊं, और मेंबर्स की डिमांड थी तो मेरे को पूरी भी करनी थी, और ये 15th किल भी मेरा। ये स्पेशल मेंबर्स के लिए है, अगर किसी को भी मेरे साथ ऐसी वीडियो या कोई और डिमांड है तो मेरी मेंबरशिप के थ्रू आप मेरे से बोल सकते हो जो भी आपकी डिमांड है। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी डिमांड पे वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपके। यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका था और मैंने उसको मार दिया, नहीं मार पाई, मेरा रिलोड आ गया, देन मैंने पिस्टल निकाल करके उसको मार दिया, और सामने वाला ऑफ ले रहा था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डैमेज हो रही थी, और M4 की डैमेज ऑफ से कम है पर रिलोड अच्छा है ऑग से। ये 13 किल उसका एंड 16 और 13 का स्कोर हो गया है। ये मैंने उसको मार दिया, बहुत ही अच्छी लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी पर मैं बच गई, और मैं थोड़ा सा हील हो रही थी इधर उधर हो करके, क्योंकि ताकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं टीटी लेकर कैंप करके मारूं। देन अभी देखो ये 18 किल हो गया मेरा एंड मैं आगे बढ़ते हुए जा रही हूँ। ठीक है, अब मेरी थोड़ी सी पिंग अच्छी हो रही थी और मैंने अभी देखना मैं कितना अच्छा मारती हूँ, स्प्रे मेरा वगैरह अच्छा है। अभी मैंने उसको हेड पे डैमेज दिया और हेड पे डैमेज देकर मैं आगे गई और वो बंदा प्रोन हो गया, और मैंने उसको बहुत ही अच्छे से मारा। मेरे को लगा नहीं था कि मैं बचूंगी पर ये किल भी मेरा ही हुआ। एंड 19 किल के साथ आगे बढ़ रही थी तो वो बंदा मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया, और मैं थोड़ा सा TPP लेकर के इधर उधर हो रही थी, मेरे को आवाज़ नहीं आई और वो बंदा मेरे को मार के चला गया, मेरे को पता नहीं चला। 19 और 14 के स्कोर के साथ मैं आगे ही बढ़ रही थी और इस पर मुझे दिख गया वो बंदा यहाँ पर है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से मारा, 20 किल मेरा। फिर देखना आप कैसे मैं ये मैच को विन करती हूँ। बहुत ही हार्ड था मेरे लिए क्योंकि मेरी पिंग भी आई थी। ये किल मैंने बहुत ही अच्छा किया, 21 किल, और इसके साथ मैं आगे ही बढ़ रही थी और ये 15 किल उसका हो गया। 21 और 15 के स्कोर के साथ हमारा मैच चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये 16 का किल भी उसका ही है, 21 और 16 का स्कोर है अभी, आगे देखते हैं।
देखते जाओ आप मेरे साथ क्या हो रहा है। गाइज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो, और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। गाइज जल्दी से 2K करवा दीजिए, मेरे को 200 और चाहिए। एंड ये मेरा 23rd किल था, और अभी वीडियो के अभी मैच ख़त्म होने में 20 सेकेंड्स है, और देखिए अभी मैं मर चुकी हूँ। और ये देखते हैं स्कोर यहीं तक रह जाता है या फिर 1 किल और होता है। नेक्स्ट मैच लगता है यहीं तक रह जाएगा, और ये 18 और 23 का स्कोर चल रहा है। मेरे ऊपर फायर है, मैंने थोड़ा सा टीपीपी ली, तब तक मैच हो गया ओवर। और देख अब मैं MVP बन गई और जीत गई। गाइज ये वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।